वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफएसएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेट्स यानी कि समुच्चय एक्सरसाइज 1.1 को बता दिए थे, जो कि एनसीईआरटी कोर्स है। यह यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए लागू है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग समुच्चय यानी कि सेट्स के लिए एक्सरसाइज 1.2 का संपूर्ण हल देखने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 1.2 का संपूर्ण हल देखने जा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या एक आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, उदाहरण के रूप में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यह दो से भाज्य विषम संख्या होता ही नहीं है, तो जैसे दो के आगे चार, चार के आगे छः होगा, आठ होगा, अगर दो से भाज्य की बात करें, जो कि हमें विषम लेना है, जो कि बाई प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रहा है, तो यह ये सेंटेंस ये रिक्त समुच्चय की श्रेणी में आ रहा है। रिक्त समुच्चय को वास्तव में हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, या रिक्त समुच्चय को हम इस तरह से भी, ये इसमें कोई एलिमेंट ना रखते हुए, हम कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट कह रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। वास्तव में यह भी ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया कि सम अभाज्य संख्या दो होता, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो यानी कि यह एक सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है, क्रॉस कर दिया। केवल हमें एम्प्टी सेट पर ही टिक मार्क करना है। अब थर्ड पार्ट कह रहा है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना? जबकि x क्या है, 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। ज़रा चेक कर लीजिए, ये यहाँ पर 5 है और यहाँ 7 है, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक एम्प्टी सेट या ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या इसमें एक बात आपको बताना चाहते हैं कि दो रेल, जैसे रेल की पटरी समांतर तो होती है, तो उसी तरीके से क्या आपस में रेल की दोनों पटरियां आपस में कहीं पर मिलती हैं क्या? तो हम कहेंगे नहीं मिलती हैं, ठीक है ना? तो कोई भी समांतर रेखा होगी, कहीं पर भी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगी, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एम्प्टी सेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू देखें, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से ये फाइनाइट यानी कि परिमित और कौन इनफाइनाइट सेट है, ये हमें इंडिकेट करना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन कौन है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आदि में हमें सीधे सीधे बता देना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। ज़रा ये देखिए, वर्ष के ये महीनों में 1 से 12 तक निश्चित संख्याएं होती हैं, फाइनाइट होती हैं, तो यह एक परिमित समुच्चय हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब यहाँ पर एक बात अलग से जोड़ दें, जितने भी इनफाइनाइट सेट होंगे उसमें अनंत जरूर होगा, डॉटेड लाइन जरूर होगा, या प्रॉपर्टी भी उस तरह से लिखे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि वन का टू का सेकंड, 1, 2, 3, 4 डॉटेड, क्या यह फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो इन अनंत के दिखाई पड़ने के वजह से हम कहेंगे यह एक अपरिमित या इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए आप इसी क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 2, 1, 2, 3 डॉटेड 99, 100, तो ये निश्चित हो गया, 100 के आगे नहीं जा रहा है और 1 के पीछे नहीं जा रहा है, ठीक है ना, कंफर्म हो गया, तो इस तरह से हम कहेंगे फाइनाइट सेट हो गया। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय को हमें चेक करना है कि यह फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो आंसर आई फॉर हमने इनफाइनाइट दे दिया। क्यों दे दिया इनफाइनाइट, क्योंकि 100 से बड़े 101, 102, 103 अब कहाँ तक जाएंगे, अनंत फिर चलते ही रहिए, तो इस तरह से यह एक इनफाइनाइट सेट की श्रेणी में आ गया। अब फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है,
99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय है। तो 99 से कम ये, और यहाँ पर पूर्णांक की बात कर रहा है, तो ये तो एक फाइनाइट सेट की श्रेणी में आ गया। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय ये कैसा समुच्चय है। तो एक बात बताइए, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष हमने ड्रा कर लिया, अब इस एक्स अक्ष के समांतर ये हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत रेखाएं हम समांतर रूप में खींच सकते हैं, यह एक इनफाइनाइट सेट हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय यह फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, अरे भाई ये अल्फाबेट्स 26 ही तो होते हैं, ये कन्फर्म हो गया, निश्चित हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब अगला उदाहरण दिया हुआ है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो, मल्टीपल हो। तो 5 का गुणज ये कहाँ तक जाए ये कह नहीं रहा है, मीन्स अनंत तक जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो यह एक इनफाइनाइट सेट की श्रेणी में आ गया जो कि लिखा हुआ है। अब आगे कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों, ये माइंड कीजिए, जानवरों का समुच्चय ये कैसा सेट हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। जरा इसके विषय में अलग से हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये पृथ्वी पर जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या गिनती के आधार पर हम ये व्यक्ति जितने भी विश्व के पॉपुलेशन हैं उनको काउंट कर सकते हैं, उसी प्रकार से हालांकि ये होता नहीं है, किया नहीं जाता है, लेकिन अगर चाहें तो जानवरों के भी हम ये निश्चित संख्या गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने हैं, इस आधार पर कह सकते हैं कि यह एक फाइनाइट सेट हुआ। अब फिफ्थ पार्ट कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जरा सोच के देखिए, ये टू डायमेंशन हम अटेन कर लिए, ये जिसमें ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये आपका मूल बिंदु 0.0 हो गया। अब मूल बिंदु से होकर जाने वाले सर्किल एक बिना, 2 मिला, 3 मिला, ये 4 मिला, तो इस तरह से तमाम सर्किल बनते चले जाएंगे अनंत तक। इस आधार पर कह सकते हैं कि यह सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये इनफाइनाइट सेट की श्रेणी में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बताइए कि ए इक्वल टू बी कौन सा है, या कौन सा ए इक्वल टू बी नहीं है, यानी कि समान समुच्चय कौन सा है और समान समुच्चय नहीं है, तो वो भी हमें इंडिकेट करना है। जरा इसको जरा चेक करके देखते हैं हम। यहाँ पर जरा देखिए, ये ए दिख रहा है तो यहाँ पर भी ए दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है तो बी दिख रहा है, सी है तो यहाँ पर सी है, ये डी है तो यहाँ पर भी डी है। इस प्रकार समुच्चय ए और बी में सभी एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, सभी के सभी, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए और बी वास्तव में समान समुच्चय हुआ, ए इक्वल टू बी है। अब इसी का यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, बी इक्वल टू दिया हुआ है 8, 4, 16, 18, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए, ये 8 है तो यहाँ पर भी 8 दिख रहा है, ये वाला 4 इस 4 से बिलोंग कर रहा है, और ये 16 जो है ये 16 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये 18 और 12 आपस में कहीं पर भी मिल नहीं रहे, तो सभी एलिमेंट मिलेगा तभी तो हम उसको समान समुच्चय कहेंगे। इस आधार पर कहेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि समान समुच्चय नहीं है, नो के रूप में हमने आंसर लिख दिया है। अब आप देखिए इसी का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, बी इक्वल टू कह रहा है एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांकों का समुच्चय है जबकि एक्स लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 से कम, यहाँ पर 10 से कम क्या हो, 10 या 10 से कम क्या हो सकता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से हो सकता है। इसमें सम की बात कर रहे हैं तो ये सभी सम ही तो हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और बी यहाँ पर समान समुच्चय हुआ। अब देखिए इसी का फोर्थ पार्ट, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 10 का पूर्ण गुणज है ना, 10 का मल्टीपल है, बी क्या है 10, 15, 20, 25, 30, तो यहाँ पर 15 और 25 डिस्टर्ब कर रहा है, तो जिसमें कि यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। यहाँ पर ऊपर का हम अगर सेट देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से है, जिसमें 10, 20, 30 तो मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 15 ए वाले में 15, 25 आदि हो, ना मिलने के कारण ए नॉट इक्वल टू बी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं, कारण सहित बताइए, रीजन भी देना है। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट क्या करा है, ए इक्वल टू 2, 3, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये शुरू भी कर दिया और उधर से बंद। तो जरा इसका फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स प्लस 2 और फिर से मिलेगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा, जो कि न दिखाई देने के कारण आपस में इस तरह से हमें ये क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, a और b समान समुच्चय नहीं है। b का जो समुच्चय होगा माइनस 2 और माइनस 3, a का जो समुच्चय है 2 और 3 समान वास्तव में नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, a इक्वल टू x सच दैट x शब्द एफ ओ डबल एल ओ डब्लू फॉलो का एक अक्षर है और फिर से यहाँ पर भी इसको कर्ली ब्रैकेट से शुरू किया और कर्ली ब्रैकेट से अंत किया, तो ये समुच्चय के रूप में दिखाई दे रहा है। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y सच दैट y शब्द डब्लू ओ एल एफ वोल्फ का एक अक्षर है। जरा चेक करके देखते हैं ये जो w है ये दोनों में कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, जरा चेक करते हैं, मिल गया। ओ दो जगह है तो एक ही बार लिखें कोई बात नहीं। इसके बाद में L की बात करें तो L आपस में मिल रहा है ना, और F भी मिल गया, यह सबसे अच्छी बात देखिए, सभी के सभी मिल गए। इस आधार पर कहेंगे कि यस यह आपस में ये एक एक करके कमा करके ये इंडिकेट करें तो सब के सब आपस में ये सभी अल्फाबेट्स मिलने के कारण समान समुच्चय हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन करना है। इसमें ए बी सी डी ई और एफ जी दिया हुआ है, तो इसमें किसे कौन समान समुच्चय है और कौन समान समुच्चय नहीं है ये हमें पता करना है। जरा एक बात जरा बी और डी के विषय में जरा चेक कीजिए, ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, ये 3 है तो ये भी 3 दिख रहा है, ये 2 है तो ये भी 2 दिख रहा है, ये 4 है तो ये देखिए सभी एलिमेंट बी और डी में समान हो गया, तो बी और डी आपस में यहाँ पर समान समुच्चय हुआ। इसी प्रकार से ई और जी आपस में जरा चेक करके देखिए, माइनस 1 है यहाँ पर तो यहाँ पर भी माइनस 1 मिला, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, सभी एलिमेंट आपस में मिल जाने के कारण ई और जी आपस में समान समुच्चय हुआ। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कोई भी दो ये समुच्चय आपस में मिल नहीं रहे, इक्वल नहीं दिखाई दे रहे, इस प्रकार से इनके अतिरिक्त कोई भी समान समुच्चय नहीं है। ये यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।